The question is, the sum of three numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Then find the numbers. हमें गिवन क्या है कि एक जीपी में थ्री नंबर्स हैं जिनका सम 56 है, एंड अगर उन तीन नंबर में से हम फर्स्ट में से 1, सेकंड में से 7 एंड थर्ड में से 21 अगर हम माइनस करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो एक एपी बनाएंगे. तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीपी में थ्री नंबर्स गिवन है तो नंबर हम जीपी की फॉर्म में ही सपोज करेंगे. सो लेट द नंबर्स बी ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है इनका सम ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 है. फर्स्ट कंडीशन हमें ये गिवन है. सेकंड क्या है कि अब 1721 अगर इनमें से माइनस करते हैं, मींस ए में से 1 माइनस करेंगे फर्स्ट में से, सेकंड में से हमने 7 माइनस किया एंड थर्ड में से हमने 21 माइनस किया, तो जो ये नंबर आए हैं ये हमारे पास हैं एपी में, राइट? तो अब अगर ये थ्री नंबर्स एपी में हैं तो एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास ए टू माइनस ए वन विल बी इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू होगा, मीन्स इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है? और इन शॉर्ट सेकेंड टर्म का टू टाइम्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. सो टू टाइम्स ऑफ ए आर माइनस सेवन इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट यानी कि ए माइनस वन प्लस थर्ड वाली टर्म है ए आर स्क्वायर माइनस 21. तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे हम. टू ए आर माइनस 14 ए प्लस ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 22. सो टू ए आर इस 22 को भी इधर ले आते हैं हम, प्लस का हो जाएगा यहाँ ए प्लस ए आर स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारे पास 2ar प्लस 8 ए प्लस ए आर स्क्वायर. हमने ए प्लस ए आर स्क्वायर को ही एक साइड पे क्यों रखा, क्योंकि हमें जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ही है तो दूसरी इक्वेशन ऐसी चाहिए थी जो इससे हम सॉल्व कर पाएं. अब यहाँ पर टर्म्स दिख रही थी a और ar, तो देखो इसमें भी a एंड ar स्क्वायर जो दोनों टर्म्स हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन नेम दे दिया. तो हम क्या करेंगे कि ये ए आर ए प्लस ए आर स्क्वायर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है? सो सॉल्विंग 1 एंड 2, देखो फर्स्ट में हमारे पास ये था ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 56. तो ये ए एंड ए आर स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी हमारे पास 2ar प्लस 8 ये वैल्यू, ठीक है, प्लस ए आर ये रह गया हमारे पास इज इक्वल टू 56. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3ar 2ar प्लस ए आर 3ar, 56 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह गया 48. सो यहाँ से या तो आप a की वैल्यू निकाल लो या फिर r की. तो अगर मैंने r की वैल्यू निकाली है तो 48 अपॉन 3a मीन्स ये 16 अपॉन a आ जाएगा, ठीक है? तो r की वैल्यू आ गई 16 अपॉन a. अब r की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो पुटिंग r इज इक्वल्स टू 16 अपॉन a इन 1 अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये a प्लस a इंटू 16 अपॉन a प्लस a इंटू r स्क्वायर है, तो 16 अपॉन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 56 अपॉन a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 56. सो यहाँ से हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस 16 256 अपॉन a इज इक्वल टू 56. तो यहाँ एलसीएम लेंगे अगर तो a स्क्वायर 16a 256 और जो एलसीएम वाला a है वो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब ये हमारे पास a में बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 56 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये बचेगा माइनस 40a प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ हमें इसे फैक्टराइज करना है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 32 इंटू 8 256 होगा, दोनों माइनस के आएंगे. तो यहाँ से हमने a कॉमन लिया a माइनस 32 और यहाँ से 8 कॉमन लिया a माइनस 32. सो
a माइनस 32 एंड a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. तो a की यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, 32 एंड 8. a की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास r की भी दो वैल्यूज होंगी. व्हेन a इज इक्वल टू 8 देन r विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 8 दैट इज 2, राइट. एंड व्हेन a इज इक्वल टू 32 then r will be equal to 16 upon 32 that is 1/2. तो हमारे पास क्या क्या आ गया, अगर a 8 है तो r 2 है, a 32 है तो r 1/2 है. अब हमें फाइंड करने हैं नंबर्स. सो हमारे पास जो नंबर हैं वो भी दो पेयर्स में आएंगे. जब हम एक बार तो हम a की वैल्यू 8 और r की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, when a is equal to 8 and r is equal to 2, then हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, क्या फॉर्म थी हमारी, a r square, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ये थ्री नंबर्स थे ना. तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आएगा, पहला तो हमारे पास 8 ही है, 8 इंटू 2 16 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 आपका हो जाएगा 32, ठीक है. एंड व्हेन ए इज इक्वल टू 32 है एंड आर इज इक्वल टू 1/2 है, तो उस टाइम पे हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, पहला तो देखो 32 है, सेकेंड हमारे पास 32 इंटू 1/2 16 आ जाएगा, और थर्ड क्या आएगा, 32 इंटू 1/4, ये हमारे पास 8 आ जाएगा. मीन्स नंबर हमारे पास वही हैं. तो या तो वो आपके पास किस ऑर्डर में होंगे, 8, 16 एंड 32 के ऑर्डर में होंगे, या फिर दूसरा ऑर्डर क्या है, 32, 16 एंड 8. ये दोनों ही पेयर जो हैं आपके पास जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है. तो दिस इज़ आवर आंसर. थैंक यू.